पीछे हो गया। अभी नामांकन दिए हैं मैडम, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रही हैं? निश्चित तौर पे मैंने जनता की सेवा की है। 12 वर्षों तक सोनवर्षा विधानसभा के एक एक मतदाताओं से मेरी घरेलू पारिवारिक संबंध है। मैं चाहती हूँ एक बार मुझे आशीर्वाद दे, मौका दे। किस विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं? जहाँ तक विकास की गति नहीं पहुँची है, मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि मैं विकास को आगे लेके जाऊँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए सोनवर्षा विधानसभा में एक मौका मैं जनता से मांगती हूँ। मैं 75 सहरसा विधानसभा से नामांकन देके निकल रहा हूँ और बहुत ही खुशी का माहौल है मेरे लिए, मेरे पार्टी के लोगों के लिए, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। सभी लोग एक परिवर्तन की तरह मुझे देख रहे हैं और मुझे निश्चित विश्वास है कि इस बार लोग एक विकल्प रंजन प्रियदर्शी को अवश्य चुनेंगे। किस मुद्दे पर? सर, हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सहरसा का विकास, और कोई मुद्दा नहीं है मेरे पास। जो भी यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है, हम उसी को प्रयास करेंगे सबसे पहले उसमें काम करवाया जाए, ताकि लोगों को उन सुविधाओं से जो वंचित रखा गया इतने वर्षों तक, मैं उनकी सेवा कर सकूं। और जो लोग भ्रष्ट लोग, जो धोखेबाज लोग, जो गद्दार लोग बिहार की गद्दी पर बैठे हैं, उसे बिहार की जनता नीचे उतारी है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मुख्यमंत्री बने और जो गद्दी पर है,